हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। सबसे पहली चीज ब्रशिंग। जनरली सारे एक बार ब्रश करते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल कि टू टाइम्स ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एट द नाइट टाइम। अगर आप भी रात को ब्रश करेंगे तो आपके बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि रात को हम जब खाना खाते हैं तो उसके बाद वहां पे फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, और अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो फूड पार्टिकल्स निकल नहीं पाएंगे, और विच कैन इवेंचुअली लीड टू कैविटीज। सेकेंडली, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। कुछ भी खाएं, कुछ भी मीठा लें, आप जरूर रिंस करें, और माउथ वॉश जरूर रेगुलर यूज करें, मॉर्निंग एंड इवनिंग, विच शुड बी एटलीस्ट नॉन अल्कोहलिक, विच कैन बी यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, और मेडिकेटेड माउथ वॉश एज प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। थर्डली, वाटर फ्लॉस या फ्लॉसिंग विद एनी काइंड ऑफ फ्लॉस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन यूज इट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके दांतों को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। लास्टली, आई वुड से कि प्लीज विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स फॉर योर रूटीन डेंटल चेकअप, ताकि अगर कोई चीज शुरू हुई है वो वहीं पर खत्म हो सके। ये एक बहुत कॉमन सेइंग रहती है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा रहता है, बट ऐसा नहीं है। आपकी नेग्लिजेंस है जो उसको महंगा करती है, तो अगर आप उसे टाइमली चेक करा लेंगे तो आपके दांतों का ट्रीटमेंट ज्यादा कॉस्टली कभी नहीं हो सकता, तो ध्यान रखिएगा। And don't forget to visit us at Dr. Peoples Clinic, Phase 5, Mohali.